सॉरी 16 नहीं 17 ऑर्डर किए हैं मैंने किए हैं 16 ऑर्डर भाई किए हैं। सो ओके तो भाई यहाँ से पता लगता है दो ऑर्डर हमने जो ऑर्डर हम उठाते हैं तो यहाँ अलबैक का भाई ऑर्डर ना पड़े उस दिन। हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ भाई आप सब लोग बेहतर होंगे, बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, जहाँ भी होंगे भाई सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। और भाई अभी टाइम हो रहा है आपको एक बारी टाइम आप देखें, 3:13 हो रहा है। और अगर जब भाई रिलैक्स करने पे आ जाओ ना तो फिर मन ही नहीं करता काम करने का। फिर तो यही मैं सुबह से आज भाई मोबाइल देख रहा हूँ, अरे अभी तो 10 बजे आए, अभी तो 8 बजे था, अभी 10 11 आप उठेंगे, आप उठें, ऐसे करते करते भाई 12 बज गया। फिर उसके बाद मैंने कहा आप खाना ही खा के निकलूंगा, नहीं तो काम है। शनिवार वाले दिन मैं सुबह ही निकलता था काम के लिए, लेकिन फिर थोड़ा गाड़ी में अपने काम था, थोड़ा स्टेयरिंग का ना थोड़ा पंगा हो गया था, तो मैंने कहा स्टेयरिंग का भी वो करवा लेते हैं, अलाइनमेंट करवा लेते हैं। उसके बाद अब गाड़ी अपनी रेडी है, तो अभी हम निकल रहे हैं भाई, खाना वगैरह खा के अपना आराम से निकल रहे काम पे। अब अपने रूम पे भाई आऊंगा बिल्कुल ही सुबह ही। कौन है भैया जहेज वाला आ रहा है? ये तो बिल्कुल सुबह ही अब यहाँ पे प्रकट होंगे आके अपने रूम में, सुबह के टाइम पूरी रात काम करेंगे इंशाल्लाह। देखते हैं भाई आज काम क्या होता है, क्योंकि 2 दिन से मैंने आईडी बिल्कुल ही नहीं, जुम्मा वाले दिन भाई पूरा दिन निकल गया, आईडी नहीं चालू करी थी मैंने, मुड़ के नहीं देखा, आईडी की तरफ मोबाइल रख दिया था। और शनिवार वाले दिन आज तो पूरा दिन ही निकल गया समझ लो। तो अभी शाम के टाइम निकल रहे हैं, देखते हैं भाई आज काम क्या होता है इस बार। इस हफ्ते तो लग रहा है इस हफ्ते मेरा ज्यादा काम भी नहीं हो पाया, मेन चीज क्या है ना थोड़ा इधर उधर में टाइम मेरा खराब गया इस हफ्ते ज्यादा। दो तीन एक दो दिन तो काम बिल्कुल ही एकदम डाउन हो गया था, नहीं आ रहा था ऑर्डर। आए धूप यार, तो अभी देखते हैं आज का क्या माहौल होता है, क्या सीन होता है, चलते हैं भैया। अभी तो हमें 28 नंबर पे और गाड़ी में भी चलते हैं, पहले तेल डलवाते हैं फिर उसके बाद निकलते हैं यहाँ से। तो भाई अभी हम निकल रहे थे काम पे और भाई साहब भी आ गए, अभी नमाज पढ़ के आए। मैंने कहा भाई से थोड़ा भाई थोड़ा डाउन हो जाइए थोड़ा, तो ये हमारे भाई साहब हैं भाई, बहुत मुंडी नहीं दिखाना चाह रहे। मैंने कहा भाई से भाई दुआ करना आज काम पे जा रहे हैं, अलबैक का भाई ऑर्डर ना पड़े उस दिन भाई। 4 घंटे अलबैक के एक ऑर्डर में हमारा खराब हुआ है 4 घंटे। तो आज मैंने भाई से बोला भाई पूरा हेरा फेरी पिक्चर वाले विलन हो रखे हैं या खली हो रखे हैं जो गाड़ी की हाइट से नहीं मैच कर रहे हैं। तो कोई नहीं चलते भैया काम पे निकलते। भाई ने दुआ कर दी, करे जाओ आज अलबैक में आज तुम्हारा एक भी ऑर्डर नहीं आएगा। ठीक है तो ठीक है भाई, रेहान भाई ओके भाई, अल्लाह आए हाय चांद है मुखड़ा। गाइज अभी हमने अपनी आईडी ऑन कर ली थी और आईडी ऑन करके मैंने कहा अभी चलते हैं अपनी लोकेशन की तरफ ऑर्डर। आज तो रोड खाली होता है, आज क्योंकि शनिवार है तो कहीं का ऑर्डर आएगा तो उठा लेंगे। तो अभी हमें क्रूस फार्मेसी का ऑर्डर था और हमने फार्मेसी पे आके भाई, और ये मेडिसिन थी पेनाडोल है, तो पेनाडोल ले लिया है और ये सही है यार। फार्मेसी वार्मेसी में भाई टाइम नहीं लगता, जाओ तुरंत फटाफट सेकेंडों में ऑर्डर मिल जाते हैं, क्योंकि इतना यहाँ पे भीड़ भाड़ होती नहीं है कि भाई ऑर्डर पे ऑर्डर आए जा रहे हैं, लिमिटेड होते हैं। तो हंगर और चाहेज का इनके ज्यादातर आते हैं भाई, फार्मेसी वाले भी ऑर्डर इनके आते हैं। तो अभी हमने ऑर्डर ले लिया है और यही इरका में है अभी, तो इरका में वही अंदर के अंदर ही देके आना, 2-3 किलोमीटर का है। अभी दिखाता हूँ भैया ऑर्डर ले लिया हम, ये रहा क्रॉस फार्मेसी और ये हमने ऑर्डर ले लिया और ये एक पन्नी में पेनाडोल रखा हुआ है। तो ये है अपना ऑर्डर और अभी लेके चलते हैं भाई कस्टमर की तरफ इसको अभी, हाँ क्योंकि अभी 2 मिनट लगेगा इसको, ज्यादा लंबा है नहीं, पास का ही ऑर्डर है ये। गाइज अभी 5 बज चुके हैं भाई, अभी पूरे कम्प्लीटली 5 बज गए हैं और अभी मैंने 2 ऑर्डर अपना कम्प्लीट कर लिया है। और मैं हूँ अभी इधर मोहम्मदिया एरिया में, मोहम्मदिया में ये एक मोहम्मदिया है 2 नंबर 3 नंबर साइड ना, 5 नंबर तक 6 नंबर तक इधर जाम तो होता है, लेकिन क्या है ना ऑर्डर भी अच्छे खासे ऑर्डर आते हैं इधर, काम अच्छा हो जाता है। लेकिन कभी कभी क्या है कि नॉर्मल दिन की तरह यहाँ भी निकलता है, कभी कभी ऑर्डर कम आते हैं यहाँ पे। लेकिन अभी तो फिलहाल जुम्मा शनिचर जुम्मे रात वाले दिन तो काम इधर बहुत बढ़िया निकलता है। बस यही है कि अगर किस्मत खराब हो बगाइस तो बस अलबैक में अगर पड़ जाए भाई, तो अलबैक वाले फिर सारा टाइम लेके फिर तुम्हारा सारा सेटअप खराब कर देंगे। अलबैक में तो बता रहा हूँ मैं तो भैया अलबैक के आस पास से निकलू ना तो यही मन करेगा भैया अब तो आईडी बंद करके निकलो, नहीं कहीं कहीं अलबैक कभी कदार होता है कभी कदार, लेकिन आधा घंटा तो पूरा जाता है भाई, आधा घंटा तो अलबैक का सिस्टम है, आधा घंटा तो भाई लेगा ही लेगा। आप कितना भी मान के चलो आधा घंटा तो भूल ही जाओ, कितना भी भीड़ हो चाहे ना हो भाई, लेकिन आधा घंटा तो अलबैक में जाता ही जाता है। तो बाकी रेस्टोरेंट में भाई बोल भी सकते हो भाई क्यों लेट हो रहा है, क्या है, इतना टाइम हो गया, या कोई कहने सुनने वाला होता नहीं, बस चुपचाप खाली नंबर बताओ खड़े रहो, नंबर बताओ खड़े रहो। तो अलबैक का खाली यही सारा सिस्टम बेकार है, मतलब 0% वाला सिस्टम यहाँ पे है ना कस्टमर वाला, ओ इसका हम लोगों का जो है तलाबात वालों का सिस्टम 0% है भाई, इसमें कोई कहने बोलने वाला नहीं है, हाँ ना कोई पूछने वाला, बस भाई अभी आ जाएगा कब आएगा, अगर किसी का भाई
बिल गायब हो गया ना, अगर किसी की रिसिप्ट गायब हो गई फिर तो 2 घंटा 3 घंटा उसका ऐसे ही निकल जाएगा। वो बोलता रहेगा भाई मेरा 1 घंटा हो गया, बोलेगा भाई अभी आ जाएगा, अरे भैया 1.5 घंटा हो गया, अरे भाई अभी बन रहा है, अभी रेडी होके आ जाएगा। तो ये सारा सिस्टम भाई अलबैक में चलता है, यही खेल पूरे दिन चलता है, चिल्ला चिल्ली। अरे भाई कुछ पूछो ही ना, अलबैक तो ऐसा लगता है बस जैसे पहुंचो ना बस यही लगता है भैया बस लॉटरी वाला नंबर होता है वही वाला सिस्टम है, भैया मेरा नंबर कब आएगा, नंबर सुनने भाई अपना नंबर आ गया है, हाय भाई अब जाके तसल्ली मिली कब अपना ऑर्डर मिल गया भाई। तो गाइस अभी रात के भाई 2:20 हो रहे हैं और अभी मैंने ये अरबी में पता नहीं क्या कौन से रेस्टोरेंट का नाम लिखा हुआ है, अभी ये तो मैं ट्रांसलेट करूँगा तभी पता लगेगा, लेकिन अभी इसमें मैंने अभी एक ऑर्डर मैंने उठाया था 5 मिनट पहले, ये कस्टमर का फोन भी आने लगा, पहले बात कर लूँ इससे। हेलो वालेकुम, यस मैम, شوف لو سمحت جيب معاك هذا باقي 100 اوكي انا هذا كاش اوكي اوكي ما اوكي ما في خلاص طيب شوف انت هذا دبا ولا سياره سياره اي عشان هذا ما يدي هذا خربان بعدين اذا انت شيل طلب عادي انت وقف بقاله انا بس ابغى عصير ربيع هذا ريال عصير ايوه عصير برتقال ربيع اوكي 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 ماما كم شكرا كم بيس كثير واحد اوكي ماما اوكي نو بروبلم اوكي तो गाइस ये अभी कॉल आ गई अचानक से मैडम की, अभी पता नहीं कौन से वाली कॉल है, अभी वो तो बाद में देखेंगे, पहले नंबर मैच करेंगे, नहीं पता लगा आसिर इसको पकड़ा दूं, जूस मंगवा रही है वो फिर दिक्कत हो जाए। तो एक ऑर्डर ये है, ठीक है ये अपना रेडी है, और अभी इसमें पता कैसे लगता है भाई, यहाँ से पता लगता है, 2 ऑर्डर हमने जो ऑर्डर हम उठाते हैं तो यहाँ से पता लग, यहाँ पे आ जाता है, डबल नंबर लिखा हुआ है कि ये अपना 5501 5501। तो ये है अपना ऑर्डर, तो अभी देखो एक का ऑर्डर नंबर एक तो ये आ रहा है 141 ये, अब दूसरा यहाँ पे नहीं देखे भाई दूसरा वाला ऑर्डर कहाँ है, तो हम दूसरे वाले के लिए जब ऑर्डर उठाएंगे ना तो यहाँ पे क्लिक करेंगे इस वाले पे, तो ये आ गया 521 ये हमारा दूसरा ऑर्डर नंबर है, ठीक है, और पहले का ऑर्डर नंबर ये है। तो ये है एक ऑर्डर अपना रेडी हो चुका है और दूसरा ऑर्डर अभी देखते हैं भाई, तो 2 ऑर्डर है ऑलरेडी, हमने अभी 3 ऑर्डर कर दिए हैं, ये मेरा 4th और 5th ऑर्डर है, मतलब 12 बजे के बाद की मैं बात बता रहा हूँ, 12 बजे तक तो मैंने 10 ऑर्डर किए थे, बाकी ये 5 ऑर्डर हो जाएंगे मतलब दोनों को मिला के। तो पहले इसको कन्वर्ट करता हूँ ऊपर जो लिखा हुआ है, देखता हूँ कौन सा रेस्टोरेंट है, फिर उसके बाद चल के ऑर्डर लेते हैं, फिर चले बुर्तकाल लेना है अभी मैडम के लिए, लेके फिर निकलते हैं यहाँ से। गुड मॉर्निंग गाइस, अस्सलाम वालेकुम भाई, तो कैसे हैं आप सब लोग। तो अभी टाइम आपको चेक कराते हैं, 7:22 हो रहा है और हम अपनी पूरी कार्रवाई करके, मतलब कि मान के चलो 1 घंटा हो गया हमें, आया यहाँ पे नाश्ता वास्ता किया हूँ, अब जाके अब रूम पे चल रहा हूँ, अब थोड़ा जाके उजाला हुआ है भाई। तो बात कुछ ऐसी, आज मैंने सुबह मतलब कल से मैं लेके इतने टाइम तक लास्ट ऑर्डर मैंने अभी दिखाता हूँ कितने टाइम किया मैंने, मतलब टोटल जो मैंने किए 16 ऑर्डर भाई किए हैं, 16 ऑर्डर किया है, और अब चल के रूम पे आया हूँ, अब चल के सोऊंगा और निकलूंगा इंशाल्लाह सुबह कह रहा हूँ, अभी शाम के टाइम 2-4-5 घंटा सो के फिर निकलूंगा शाम को 2 बजे, खाना वगैरह खा के उसके बाद फिर निकलेंगे काम पे भाई। और भाई सर्दी वाकई भाई सुबह का टाइम तो बाइक पे तो भाई पकौड़े बन जाए, बाइक पे बता रहा हूँ यार बहुत बुरा हाल है, कि गाड़ी में इतनी ठंड लग रही भाई शीशा बंद करने के बाद, तो बाइक वालों को भाई क्या हाल होता होगा भाई, बहुत बता रहा हूँ, सर्दी अच्छी खासी होना स्टार्ट हो गई इस टाइम पे। और बाकी अभी हम चल रहे भैया रूम पे, बाकी चलते हैं, नींद बहुत तगड़ी आ रही भाई, आलू के पराठे वगैरह खा लिए, अब थोड़ा जाके सुकून मिला क्योंकि नींद अब बहुत ही तगड़ी आ रही है, बस जाके बस सिर्फ सोना ही सोना है हमें। तो गाइस ये चेक करें, 10 तारीख में अभी तक मैंने टोटल 7 ऑर्डर करके रूम पे आ गया था, 109 रियाल का ये, और 10 से 12 बजे तक ये किए थे 10 ऑर्डर ये, और मतलब टोटल 17 ऑर्डर किए हैं, और 17 ऑर्डर के समझ लो कितने 200 9 6 9 5 14 मतलब कितने 275 हाँ 275 रियाल का मैंने टोटल काम किया है, जैसे जब निकला हूँ शाम को 3-4 बजे भाई, तब से लेके अभी तक मैंने इतने का काम करके अब रूम पे आया हूँ, अब चल रहा हूँ सोने भाई साहब, क्योंकि अपने को नींद बहुत ही तेज आ रही है। ये देखो 8 डिलीवरीज दिखा रहा है पर 8 ऑर्डर नहीं, क्योंकि एक ऑर्डर अपना कैंसिल हो गया था वो, बाकी टोटल मैंने जो काम किया है 9, 7, 10 और 7, 17 ऑर्डर मैंने किए हैं भाई। और चलते हैं, 191 का हमने अभी तक आज कैश लिया था, और बाकी आज है 10 तारीख, अब देखते हैं भाई इस टाइम कितने ऑर्डर कर पाएंगे 2 बजे के बाद। बाकी इस वीडियो का एंड यही करते हैं भाई, चलते हैं, नींद बहुत तगड़ी आ रही है अब तो।